एशिया कप में भारत की शानदार जीत के साथ दूसरा ये मुकाबला था। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। बेहद रोमांचक मुकाबला ये रहा ताबिश, और भारत को 148 रनों का लक्ष्य यहां पर मिला था। बिल्कुल, और शुरुआत जब हुई अदिति इस मुकाबले की तो ऐसा लगा कि एक तरफा जो है होता हुआ जा रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद 150 रन के आसपास तक ये मुकाबला लक्ष्य जो है वो पहुंचा पाकिस्तान की तरफ से। और जब टीम इंडिया की शुरुआत हुई तो वो भी अच्छी नहीं हुई। भारत ने केएल राहुल और रोहित शर्मा के विकेट जल्दी खो दिए, विराट कोहली 35 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जडेजा और पांड्या ने बढ़िया पारी खेलकर भारत की मैच में वापसी करवाई। जडेजा 29 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए और आखिरी ओवर में पांड्या के शानदार सिक्स की बदौलत भारत ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया, और इस जीत के हीरो हार्दिक पांड्या रहे जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। उन्होंने 3 विकेट भी लिए और 17 गेंदों में 33 रनों की शानदार पारी भी खेली। पांड्या को मैन ऑफ द मैच तो चुना ही गया, लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने की उन्होंने चुना, और उसके बाद 19.5 ओवर में 147 रनों पर उनकी टीम ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो एक तरह से जो पिछले वर्ल्ड कप में ताबिश जो हार हुई थी वो एक तरह से पहली हार थी पाकिस्तान से भारत की वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई यहाँ पर टीम इंडिया करती हुई नजर आई है। बदला लेना कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन भरपाई करती हुई नजर आई है। कम से कम एक संतुष्टि यहाँ पर खिलाड़ियों को मिली होगी पाकिस्तान के ऊपर ये जीत दर्ज करके। उसी समान है नहीं, क्योंकि पांड्या ने गुजराती भाई ने जिताया, हम भी गुजराती, बहुत मजा आया, इंडिया को जिताया, सबसे ज्यादा आनंद है, बहुत मजा आ गया। बहुत अच्छा मैच था, एंड तक इंटरेस्टिंग फाइटिंग मैच था, दोनों टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन हमारा भारत महान, ऐसे की जैसे कि हम जीतते हैं, पिछले साल डिफेंडिंग चैंपियन हम एशिया कप के, और इस साल भी भगवान की दुआ से अच्छी स्टार्ट करी है इंडिया ने, हमारी टीम ने, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल विन दिस कप अगेन। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, थोड़ा नमक मिर्च मसाला तो होना चाहिए जैसा कि हुआ, लेकिन एंड में पता था थोड़ी पिच की भी इश्यूज थी, इसलिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे मैच में, लेकिन वी वर क्वाइट श्योर दैट इंडिया विल विन एंड डेफिनेटली जीते हम। हमने पहले ही बोल दिया था, आने से पहले ही हम लोगों ने घर से निकलते टाइम ही कहते थे आज इंडिया जीतेगी, सोच के आए थे। वी कॉल दिस रिवेंज सर, आखिरी बार जो हुआ था वी हैड टू कम अप विद समथिंग राइट, और हम तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब क्या होने वाला है ऑब्वियसली, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो इट्स नॉट अ मैच, देख रहे हो तो राइट मैच, इंडिया पाकिस्तान हैज टू बी अनप्रेडिक्टेबल। क्रेडिट हार्दिक पांड्या, 110% हार्दिक पांड्या, ही प्लेड रियली वेल, ही गॉट अस थ्रू, एंड तक खेला और एंड तक हमें जिताया है, तो लवली प्लेड, आई लव इंडिया ब्रो। 10 ओवर के बाद टाइटी टाइट मैच था तो हाँ, ऐसे मैच में कहीं भी जा सकता है, बट जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की और जड्डू ने बैटिंग की तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बैटिंग थी कि हम लोग मैच जीत गए, बट ऑनेस्टली मैच 50-50 था लास्ट, जब तक मतलब हार्दिक ने जाके रन बनाया उससे पहले बिल्कुल 50-50 था, और हम लोग भी यही प्ले कर रहे थे कि वो रन बनाए, बट हाँ डेफिनेटली मैच 50-50 था। हमने बस यही प्लान था कि हम जितना गेम को डीप लेके जाएं उतना अच्छा है, और जिस तरह नसीम ने बॉलिंग कराई वो काफ़ी अच्छा था, और स्टार्ट में भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, क्रूशियल विकेटें लेके दी, और डेथ में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से नवाज के भी को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह उसने वो लास्ट ओवर किया, प्रेशर गेम थी और जिस तरह हम ओवर द लाइन नहीं हुए। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जी राजा रमन है। राजा रमन सर, पहले आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी, किस तरह से आप जीत को देख रहे हैं, क्योंकि हम तमाम जगहों पर पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड कप को लेकर कहा जा रहा है कि पिछली बार अक्टूबर 2021 में जिस तरह से भारत हारा था वो पहली हार थी वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी भरपाई के तौर पर इस जीत को देखा जा रहा है। 50 ओवर वर्ल्ड कप अलग होता है आदिति, और 2020 का खेल अलग ही होता है, यहाँ पे कोई भी जीत सकता है, 2020 इज अ ग्रेट लेवलर, और आज कल की जीत आज नेशनल स्पोर्ट डे है तो एक तोहफे के रूप में देखिए आप उसको, फॉरगेट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। मुझे लगता है कि कल रात के मैच को आप पूरा आनंद लीजिए, गो बैक वॉच द गेम, एंजॉय व्हाट हार्दिक डिड, जो जडेजा ने किया है, जो गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार ने किया है, आई थिंक इसको एंजॉय कीजिए एंड फॉरगेट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। विमल जी, आप किस बात से ज्यादा खुश हैं इस जीत में? हार्दिक पांड्या, उनसे तो उम्मीद ही थी, लेकिन गेंदबाजी में भी उन्होंने बहुत बढ़िया करा, उस बात से, या फिर विराट कोहली जो है थोड़े से रन बना गए, उनका बल्ला काफी वक्त से शान चल रहा है, तो उनकी तरफ भी फैंस जो है बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं।
बिल्कुल, विराट कोहली का चलना और खासकर उनके लिए, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि 100वां T20 इंटरनेशनल था उनके लिए और रिकॉर्ड के लिए, फैंस के लिए अगर बताऊं तो रॉस टेलर के बाद वो अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेले हैं, तो ये उनके लिए एक माइलस्टोन मैच था और विराट के फैंस जाहिर तौर पे आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बेहद वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन कई सारे इसमें पॉजिटिव्स थे, आपको 10 विकेट फास्ट बॉलर को मिलना ऐसी पिच पे, ट्रिकी पिच है, बी डी विलियर्स इसको ट्रिकी पिच कह रहे हैं, और यहां पे 10 विकेट आपके फास्ट बॉलर्स को मिलना जबकि बुमराह आपके पास नहीं है, जो बहुत समय से जो हमें एक तलाश है वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो हार्दिक पांड्या का आके उसको मैच को फिनिश करना जिस तरीके से, रविंद्र जडेजा हमेशा से मैं मानता हूं कि तुरुप का इक्का है उनको, अभी जब मैच के बाद उनसे मांजरेकर ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने पूछा कि मतलब क्या बातचीत करने के लिए वो तैयार है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार उनको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कहा था और रविंद्र जडेजा ने उसका कई अपने प्रदर्शन से उसका जवाब दिया, तो बहुत सारी अच्छी चीजें इस मैच में देखने को मिली। और एक और भी है कि इस टूर्नामेंट में क्योंकि आगे और भी मैच होंगे भारत पाकिस्तान के, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम अगर चलेंगे तो मैच का रोमांच और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये विक्ट्री जाहिर तौर पे जैसे राजा रमन कह रहे थे रिलीज करने वाली बात है और इसको काफी समय तक भारतीय फैंस याद करेंगे। इसमें कई सारी बातें जो पॉजिटिव आई हैं, अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग लाखों करोड़ों फैंस हैं, तो उन सबके लिए भी काफी सारे तोहफे मिले। आज स्पोर्ट्स डे भी है, 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है आज के दिन, और मेजर ध्यानचंद जो है उनकी याद में एक तरह से मनाया जाता है, तो भारतीय फैंस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा कह सकते हैं। राजा जी, विराट कोहली के परफॉर्मेंस को आप कैसे आंकेंगे, क्योंकि बहुत लंबे वक्त के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद कल जो है विराट का बल्ला बहुत आगे जा सकता है, हो सकता है हाफ सेंचुरी बना ले, लेकिन बहुत बुरा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा, कम से कम जो पिछले परफॉर्मेंस थे उसके बाद कहा जा सकता है कि क्या विराट की वापसी हुई है, ऐसा लग रहा है? नहीं, वापसी तो टाइम लगेगा, पीपल विल कीप टॉकिंग के उन्होंने अभी शतक नहीं जमाया है कई दिन से, ये बात तो रहेंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी फैक्ट ये रही है कल के, विराट कोहली पिछले दिनों में कहा कि मैं आई वाज फेकिंग इंटेंट, मैं अपना इंटेंशन झूठी तरीके से पेश कर रहा था, लेकिन कल बहुत पॉजिटिव नजर आए, आप वही जानते हैं कि वो फेकिंग है कि रियल है, अगर फेकिंग है तो बहुत बेहतरीन फेकिंग है जो उन्होंने खेला है, और ये विवियन रिचर्ड ने एक बार दिल्ली डेयरडेविल्स टीम में कहा था कि आप मैदान में जाइए और लोगों को समझने मत दीजिए कि आप परेशान हैं, आप अगले पे हावी होने के लिए डोंट रिवील योर रियल स्टेट ऑफ माइंड, अगर विराट कोहली ने ये किया है डिस्पाइट नॉट बीइंग इन द बेस्ट शेप मेंटली, बहुत बेहतरीन इनिंग, इट वॉज क्रिटिकल, लोगों को लग रहा था कि भारत हार जाएगा, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इनिंग को लंबा ले जाए ताकि हार्दिक पांड्या के पास एक मौका बने लास्ट में रन बनाने का, आई थिंक इट वॉज ब्रिलियंट इनिंग यस्टरडे, लेकिन वापसी हुई है क्या, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जी विमल, बिल्कुल राजा, विमल बोल रहा हूँ मैं आपसे, एक सवाल, एक ऑब्जर्वेशन है और एक सवाल भी है कि विराट कोहली ने अपने जो अपना जो वीकनेस है उसको भी एक बहुत हाई प्रेशर मैच से पहले रिवील किया, ये बहुत काबिले तारीफ है, और मेंटल हेल्थ की बात करना इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले एक तरह से अपना जो उनका स्टाइल है उसी स्टाइल में उन्होंने वापसी की कोशिश की, ये और मेंटल हेल्थ पे बात करना ये अपने आप में जाहिर तौर पर बड़ी बात है। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था कि काफी समय से हमें एक मैच अच्छे फिनिशर की, हालांकि दिनेश कार्तिक को मौका मिलता वो भी, आपको लगता है वर्ल्ड कप के लिहाज से हार्दिक पांड्या दिनेश कार्तिक एक परफेक्ट मैच फिनिशर के रूप में तैयार किया जा सकता है, शायद पंत भी इसमें जुड़े? देखिए ऑप्शंस बन गए भारत के पास, लेकिन अभी भी जो टॉप ऑर्डर का फेलियर है, जिस तरीके से राहुल आउट हुए है, उनके रन नहीं बन रहे, विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर सवाल जरूर है, अभी खत्म नहीं हुए, तो फिनिशर तो दूर की बात, विमल पहले तो आप अपना बैटिंग ऑर्डर मजबूत कीजिए, तो ये एशिया कप में शायद हमको आइडिया मिलेगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल 1, 2 और 3 क्या ये परेशानी का वजह बन सकते हैं या फिर आपको तसल्ली देंगे कि ये इनकी वापसी हुई है, आई थिंक दिस नेक्स्ट फ्यू मैचेस विल टेल अस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली ने अपना जो इंटेंशन दिखाया बहुत पॉजिटिव तरीके से आया और शॉट खेलने लगे थे, एंड आई थिंक ही प्लेड सम अमेजिंग शॉट, एंड आई थिंक के अच्छा ही हो रहा है भारत के लिए, लेकिन इंतजार करना होगा, आई थिंक इट इज टू सून, इसमें अगर आप वर्ल्ड कप की बात करने लगेंगे इतना जल्दी शायद सही नहीं होगा, बट इट इज गुड प्रिपरेशन।
इसमें कोई डाउट नहीं जी, है जी। राजारमन जी, एक और मैच तो कम से कम अब होना है इस टूर्नामेंट में आगे, अब सुपर टॉप फोर में जब मुकाबले होंगे तो वहां पर हम देखें अगर पाकिस्तान की टीम के लिए तो हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए। यहां पर रिजवान अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, बाबर ने रन नहीं बनाए, अगले मैच में अगर वो बनाते हैं तो वो भी चुनौती हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था इस मुकाबले में, इतना क्लोज मुकाबला जाना नहीं चाहिए था जितनी जिस तरीके की बैटिंग हमारी इस वक्त चल रही है। बिल्कुल ताविश, खेल हमें ये सिखाता है कि आप अगले मैच का सोचिए, बहुत ज्यादा दूर मत सोचिए, बी इन द मोमेंट इज व्हाट स्पोर्ट टीचेस अस। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम जो अगला मैच है उस पर फोकस करेगा, पाकिस्तान के साथ जब खेलना होगा तब तैयारियां होंगी और जिस तरीके से करना होगा। कल आई थिंक द बॉलर्स वेर आउटस्टैंडिंग और ऐसी बॉलिंग करेंगे तो भारत के लिए चांस और भी बनेगा। जो शॉर्ट पिच बॉल डाला है और बहुत सारे विकेट्स शुरुआत में शॉर्ट पिच बॉल से उन्होंने निकाला, आई थिंक इट शोज कि भारतीय टीम की सोच सही है, रणनीति सही है और एग्जीक्यूशन परफेक्ट था कल। तो मुझे लगता है कि भारत हावी होगा पाकिस्तान पे अगले मैच में भी, बट T20 का खेल है ताविश, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल विमल जी, यहाँ पर अगर ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत का नहीं होना, क्योंकि हम जीत गए तो नहीं खला, लेकिन अगर जिस तरह से इतना क्लोज चला गया था मैच, अगर दिक्कत होती या बात अगर हम दूसरी तरफ से कर रहे होते, अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आया होता तो क्या ऋषभ पंत को लेकर सवाल खड़े होते हैं उनका नहीं होने को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ वापस आए कोविड के बाद से वापसी, और टीम मैनेजमेंट ने जो एक फैसला लिया, क्योंकि काफी फॉर्म में है, आप दिनेश कार्तिक देखिए काफी वक्त से फॉर्म में है, और उनको भी एक फिनिशर के विकल्प के तौर पे, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम सोच रही है, टीम मैनेजमेंट इसके बारे में बात भी कर रहा है, तो ऋषभ पंत को और भी अभी मौके मिलेंगे, हो सकता है अगले मैच में मिले, और जिस तरीके से वो लगातार डगआउट में दिख रहे थे कैप्टन के साथ, तो पूरी टीम पॉजिटिव फ्रेम जो फ्रेमवर्क है माइंड सेट स्पेस में वो दिख रही थी। तो मुझे लगता है कि जैसे अल्टरनेटिव्स की बात है, टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे विकल्प को तैयार किए जा रहे हैं, और दिनेश कार्तिक का होना, दिनेश कार्तिक को मौका नहीं मिला, एक रन उन्होंने बनाया, लेकिन क्या पता जो विनिंग रन्स उनके बल्ले से भी आ सकते थे। राजारमन जी, अब विकल्पों की हमने बात करी, हमारे पास अब बहुत विकल्प हैं, हमें अब किसी चीज की कमी नहीं है, ना गेंदबाजों की, ना बल्लेबाजों की, ना ऑलराउंडर की, अब तो विकेट कीपिंग में भी विकल्प जो है वो मौजूद है। ऐसे में आपको लगता है कि अगला मुकाबला जब हांगकांग से हम खेलेंगे तो वहां पर कुछ और लोगों को जो मौका देना चाहिए बड़े मुकाबले से इतर, ताकि हम देख सकें और जो ऑप्शंस हैं हमारे पास उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, और अगर रोहित शर्मा की बात माने, और क्यों ना माने, रोहित शर्मा ने कहा है कि एक्सपेरिमेंट्स विल कंटिन्यू, और शायद उनका इशारा था कि ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को खिलाना एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया, दे वॉन्ट टू टेस्ट के प्रेशर सिचुएशन में कौन कैसे खेलता है। ऋषभ पंत बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, सब लोग जानते हैं, ही कैन विन मैचेस ऑन हिज ओन, लेकिन दिनेश कार्तिक को शायद हाई प्रेशर मैच का एक अनुभव वापस देने का प्रयास था। आई एम श्योर देयर विल बी मोर एक्सपेरिमेंट, बाकियों को भी मौका मिलेगा खेलने का और फिर अपना हुनर दिखाने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजारमन जी, विमल मोहन, आप दोनों का, और बस जिस तरह से आप दोनों ने ही कहा कि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और खेल की जीत होना चाहिए, चाहे कोई भी टीम हारे कोई भी टीम जीते वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती।